हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे हाथ में देख सकते हैं क्या ली हूँ मैं। मैं करेला ली हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं धो लूँगी। धोने के बाद इसको छील 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 के, जब छील लूँगी तो फिर उसके बाद इसको अच्छे से गोला गोला काट के, फिर उसके बाद ऐसे मैं तेल में फ्राई करके बनाऊँगी, जो हमारे बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं। और इसको दाल चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसकी सब्ज़ी बिल्कुल कड़वा भी नहीं लगता है। सबसे पहले मैं कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में तेल डालने के बाद, जब तेल गर्म हो चुका है, तो मैं हल्का सा लहसुन डाली हूँ। लहसुन कूचने के बाद मैं तेल में डाल दी हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें करेला डाली हूँ। तो अभी मैं इसमें, जब करेला हल्का ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसमें आलू भी डालूँगी। मैं आलू जो पहले से काट के रखी हूँ, और जब अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसमें हल्का सा नमक स्वाद अनुसार और हल्दी डालूँगी, जो देखने में इसका कलर अच्छा लगे और येलो टाइप में थोड़ा सा हो जाएगा।